यूपी के मऊ जिले में एक शख्स 20 साल पहले अपना परिवार छोड़कर किन्नर बन गया। उसकी पत्नी का कहना है कि उसका पति बहुरूपिया है। नकली किन्नर बनकर उसने करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली है। बेटा कहता है कि पापा को सिर्फ साड़ी में देखा है, जबकि पापा किन्नर नहीं है। बहरहाल पुलिस शख्स को मेडिकल जाँच के लिए भेजने की बात कर रही है। पहले मैं बहुत गरीब थी, आपके नगर में मांगती थी, खाती थी, आपके बच्चों को बधाई, यही लेना मेरा अगर जुलूम होगा प्रशासन की नज़र में तो मैं जेल जा सकती हूँ। सर ये कह रहे हैं कि ये हमारा लड़का नहीं है, ये मेरी माँ है। इससे भी कह रहे हैं कि ये मेरी औरत नहीं है। सबूत के लिए मैं जांच करना चाहता हूँ, ये लोग नहीं करने दे रहे हैं। क्या करते हैं अभी तुम्हारे पिता? डांस करते हैं, नाचते हैं। जब से मैंने होश संभाला तब से इनको साड़ी पे ही देखा है। मुझे मारते पीटते हैं, शुरू से मारते पीटते आए हैं। मुझे एक सीट भी कपड़ा नहीं दिए हैं आज तक, जब तक मुझे पैदाइश हुई अभी तक। आपके पिता किन्नर हैं या नहीं? नहीं है। जब भाई बाप मर गया उसके बाद हम फिर ये रूप धारण धर लिया हिजड़ा में, नाचने कूदने लग गया, आई छोड़ दिया। और वो कह रहा है कि जो सुरेंद्र और श्वेता जो किन्नर का भेद बना के घूम रहे हैं इधर उधर, लोगों से छल कपट कर रहे हैं और लोगों से बच्चे पैदा करके जो है होने पे और बधाई देने के नाम पे पैसा लेते हैं। ये फर्जी हैं और हम इनके लड़के हैं, तो इनके शिकायती प्रार्थना पत्र से जांच हम लोगों द्वारा की गई तो इनकी फिर बीपी को बुलाया गया। उसने जो है फोटो दिखाया शादी का और इनके जो दोनों लड़के हैं वो सब दिखा रही है। अब ये जांच का विषय हो गया है, आगे मुकदमा लिखकर आगे कार्रवाई की जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।